हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, आप भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज को। यहाँ पर हम लोग मैपिंग क्लासेस देखेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत दिनों से मैपिंग टास्क दिया जा रहे हैं, आप लोग उसको कवर भी कर रहे होंगे। अब मैपिंग को किस तरह से आपको पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं और सब कुछ यहाँ पर A to Z आपको लिखाया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा। तो आज के बाद आपको मैपिंग से रिलेटेड जो जितने भी डाउट्स हैं वो सभी के सभी दूर हो जाएंगे और आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज की जितने वीडियो पेशेंस के साथ में देख ली उसे समझ में आ जाएगा कि हमें मैपिंग कैसे पढ़ना चाहिए और मैपिंग में हमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना होता है। वैसे मैपिंग की बहुत सारी आपको लेक्चर दिए जाएंगे यहाँ पर और पूरा वर्ल्ड मैप आपको इंडिया मैप है बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर एटला समझ लीजिए, आपकी आंखों के सामने सोते हुए उठेंगे और कहेंगे, अगर कोई कहेगा जी चलो हमें पढ़ा दो, तो कहेंगे चलो सबसे पहले आपको एटलस पढ़ाते हैं। एटलस से अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट के अलावा भी यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप से आप लोग अपने सिलेबस को बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं इसके थ्रू। अगर आप लोग रिविजन करते हैं, मैपिंग का उपयोग करते हुए आप लोग रिविजन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, तो आपका जो बर्डन होगा ना वो आपका कम हो जाएगा, यानी कि आप लोग स्मार्ट स्टडी करने लगेंगे। तो जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, ज्यादा लेक्चर नहीं, आपसे लगभग मैं 16 से 17 लेक्चर में मैपिंग कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग मैपिंग के थ्रू रिविजन क्या करेंगे, तो एक क्लासेस हैं जो मैपिंग वाली ये कॉन्टिन्यूसली हमेशा चलेंगी। और एक क्लासेस आपको कितने बजे मिला करेगी, तो डेली आप लोगों के लिए शाम को 3 बजे लेक्चर है आप लोगों को मिला करेगा ये मैपिंग का। ओके, आकर के आप लोग देखिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार करिए, लाइक करिए। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसी तरह से लाइक करेंगे तो ये जो सीरीज है वो आपको बहुत अच्छे से टाइम टू टाइम हमेशा प्रोवाइड होती रहेगी। तो डेली आप लोग 3 बजे आएंगे तो आपको ये लेक्चर जरूर मिला करेगा। और इस वीडियो का जो टारगेट है वो आपको देखने को मिलेगा, इसका जो टारगेट है वो 50 लाइक का है। तो आप लोग जल्दी से लाइक कंप्लीट करिए और आप लोग इसी तरह से सारी सीरीज देखते रहिए। ओके, तो देखिए हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए आपको पार्ट नंबर 0 देखने को मिलेगा। आप लोग जानते हैं हम सबसे पहले आपको पार्ट नंबर 0 प्रोवाइड कराते हैं, पार्ट नंबर 1 से हम स्टार्ट नहीं करते हैं क्लासेस, तो पार्ट नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे एकदम बेसिक क्या होता है ना, एकदम बेसिक हम लोग देखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें भी आपको पता चलेंगी। सभी महाद्वीपों में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए बताना है और लास्ट में वैसे आपको इसका आंसर हम दे देंगे कि विश्व में कितने देश हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड मैप है उसमें आपको कितने देश देखने को मिलेंगे, हमारी पृथ्वी पर कितने देश हैं, और अभी सबसे नया कौन सा ऐसा स्वतंत्र संप्रभु देश है जो अभी बना है, उसका नाम क्या है, वो नाम आपको बताना है, और UN में कितने देश हैं, इन सभी के आपको आंसर करने हैं। अगर आप लोग आंसर नहीं जानते हैं तो आप लोग पेशेंस के साथ रुकिए, आप लोगों को अभी कुछ देर के बाद इस वीडियो के बीच में ही आपको सब कुछ अच्छे से समझाएंगे कि आपको कहीं पर 250, 251 आपको देश देखने को मिलेंगे, तो कहीं 153, 154, 155, 156, इनका कॉन्सेप्ट क्या है आखिर, और कितने वास्तव में हमारे देश आपको पृथ्वी पर देखने को मिलेंगे, सब कुछ आपको विस्तार में आज समझाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने लेक्चर के ऊपर। और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, अगर उन्होंने अगर यहाँ पर एटलस नहीं लिया तो एटलस आप लोग खरीद लीजिए। तो एटलस कौन सा लेके आना है, तो देखिए एक एटलस आपको ये देखने को मिलेगा जो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आता है, तो आप लोग ये भी खरीद सकते हैं। ओके, या फिर आप लोग ओरिएंट ब्लैक स्वान का भी आता है एटलस, ये आप लोग खरीद सकते हैं। ये देखिए आप लोगों को यहाँ पर स्कूल एटलस देखने को मिलेगा, ये आप लोग ले सकते हैं। अगर एटलस आप लोग ऑक्सफोर्ड का लेकर के आते हैं तो आपको स्टूडेंट एटलस लेकर के आना है, वो काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इनके अगर हम प्राइस की बात करें तो आपको लगभग में 275 के अप्रोक्स में आपको पड़ जाएंगे। ओके, चाहे ये वाला लीजिए, लगभग में 250 से 300 के बीच में रेंज में ये आते हैं। ओके, और किस लैंग्वेज में लेना है तो आपको ध्यान रखना है, आप अगर हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं, आप लोगों को एटलस इंग्लिश में ही लेकर के आना है। अगर हिंदी में लेके आएंगे ना तो समस्या आएगी थोड़ी सी, तो आप लोगों के लिए इंग्लिश में ही लेकर के आना है अगर आप हिंदी मीडियम से हैं फिर भी, क्योंकि यहाँ पर लोकेशन सर्च करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है और जो शब्द होते हैं उनका त्रुटि आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा यार कहीं हम दूसरी चीज तो हम नहीं खोज रहे हैं, तो समस्या आ जाती है। इसके अलावा आपको एक चीज और रखनी है, यहाँ पर पूरा कंटेंट भी आपको लिखाया जाएगा, नोट्स भी बनाए जाएंगे। तो नोट्स बनाने के लिए यहाँ पर आप लोग अपने सेल्फ नोट्स बनाएंगे, तो नोट्स हम लिखाएंगे, तो इसके लिए आपको एक स्पाइरल बुक की भी जरूरत पड़ेगी, नोटबुक की आप लोग खरीद लीजिए या फिर A4 साइज पेज ले आइए, उन पर भी लिख सकते हैं और उनको स्टेपल कर लीजिए। तो आपको दो चीजें खरीदनी है, इन दोनों में से एक बुक खरीद के लेके आना है, दोनों मत खरीद लीजिएगा। ओके, एक बुक आपको खरीद के लेके आनी है इन दोनों में से। ओके, तो ये मार्केट में आपको इजिली मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो आप लोग जाकर के अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं अगर आप लोग, ठीक है, लेकिन वहां पर थोड़ी सी महंगी मिलती है अमेजन फ्लिपकार्ट पे,
तो आप लोग जाकर के ऑफलाइन मार्केट में खरीदिए, वहां पर थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी। ओके, तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन लेक्चर के ऊपर। देखिए आपको मैप बनाना भी सिखाएंगे इस वीडियो के एंड में, या फिर कल आप लोगों को मैप बनाना सिखाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोग 11 से 12 सेकंड में पूरा वर्ल्ड मैप बना देंगे, और आप लगभग में 2 से 3 महीने जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप 7 से 8 सेकंड में ही पूरा वर्ल्ड मैप बना दिया करेंगे। तो आप लोगों को वर्ल्ड मैप भी बनाना सिखाएंगे। देखिए जो ये बना हुआ आपको दिख रहा है, ये हाथ से ही बना हुआ दिख रहा है, आप लोग भी इसी तरह से बना सकते हैं, और आंखें बंद करके भी आप लोग मैप बनाना सीख जाएंगे। तो हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। ओके, तो चलिए हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं मैप को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो हमारी पृथ्वी पर आपको एक महाद्वीप देखने को मिलेंगे, जो आपको जिस पर हम लोग रहते हैं वो क्या है, महाद्वीप है। ओके, तो चलिए एकदम आपको बेसिक से समझाते हैं आज मैप के बारे में। तो देखिए अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की जो सतह है, जो आपको सतह देखने को मिलेगी, यहां पर आपको दो चीज देखने को मिलेंगी। एक तो आपको जो सतह है वो जलीय सतह पाई जाती है। कौन सी है? जलीय सतह है। और दूसरी आपको देखने को मिलेगी स्थलीय सतह, स्थलीय सतह है। ओके, जो जलीय सतह है इसको हमने क्या नाम दे दिया, जो बड़े बड़े आपको देखने को मिलेंगी जल राशियां होती हैं, बहुत बड़ी जो होती हैं, उनको हमने दे दिया महासागरों का नाम। ये जलीय सतहें हैं, ये देखिए कई प्रकार की हो सकती हैं, इन्हें हम आकार के आधार पर कई भागों में बांट देते हैं। देखिए अगर ये जलीय सतह बहुत ज्यादा बड़ी है, इसका अगर आकार है वो बहुत ज्यादा है, तब हम उसको क्या नाम दे देते हैं, महासागर का। किसका नाम दे देते हैं? महासागर का। और इंग्लिश में इसको ओशन के नाम से आप लोग जानते होंगे। ओके, किसके नाम से? ओशन के नाम से जानते होंगे। और इसी तरह से अगर इससे थोड़ा सा छोटा आपको देखने को मिलेगा तो हम उसको सागर का नाम दे देते हैं, जिसको आप लोग सी के नाम से जानते होंगे। अगर इसका आकार है, इसका जो आकार है थोड़ा इससे कम देखने को मिले, तो हम इसे क्या नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं सागर। ओके, तो सागर भी आपको एक बहुत बड़ी जल राशि देखने को मिलेगी, लेकिन महासागरों से थोड़ा कम आपको देखने को मिलेगा। ओके, और सागर होते हैं वो समानता आपको देखने को मिलेगा स्थल खंडों से, हो सकता है दो तरफ या एक तरफ से घिरे होते हैं, लेकिन आप लोग इसकी एक सटीक कोई परिभाषा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कई जगह आपको कॉन्ट्रोवर्सी भी देखने को मिलेगा। जैसे कैस्पियन सागर जो आपको देखने को चारों तरफ से स्थलों से अवरुद्ध है, फिर भी हम उसको सागर बोलते हैं, या फिर उसको झील का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो वैसे रियलिटी में देखें झील है, लेकिन उसका जो आकार बहुत बड़ा होने के कारण हमने उसको सागर का नाम दे दिया। बहुत कुछ आपको बताएंगे, देखिए जो व्यवहार में चीजें होती है वो थोड़ी सी अलग देखने को मिलेगी। और आपको देखने को मिलेगी ऐसी जलीय सतह जो चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से बंद है, बंद सीमा है। ओके, स्थलों से घिरी हुई कोई जलीय सतह है, तब हम उसको क्या नाम दे देते हैं, झील का नाम दे देते हैं। ओके, आपको क्या देखने को मिलेगा, झील देखने को मिलेगा। और इससे छोटा होगा तो हम उसे तालाब बोल देंगे, उससे छोटा होगा तो हम उसको गड्ढा बोल देंगे। ओके, उसमें भी पानी होता है। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा जो स्थलीय सतह होती है, अगर ये बहुत बड़ी है, क्या है, इसका आकार है वो बहुत बड़ा है, क्या है, इसका आकार बहुत बड़ा है, तब हम इसको क्या नाम दे देते हैं, महासागर नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? महासागर। ओके, जिसको इंग्लिश में कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। और जिसका आकार थोड़ा छोटा होता है, ओके, अब उसका आकार बहुत थोड़ा सा छोटा होता है, और वो चारों तरफ से अगर पानी से घिरा हुआ हो, तब हम उसे क्या बोल देते हैं, द्वीप बोल देते हैं। अगर उसका आकार छोटा है और वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, द्वीप। आप लोग नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए, जो चारों ओर से जल से घिरा हो, तो हम उसको क्या बोल देंगे, हम उसको बोल देंगे द्वीप। और अगर कोई ऐसी जलीय सतह है जो चारों ओर से स्थल से घिरी हुई है, तो हमने उसको क्या नाम दिया था, झील का भी नाम दिया था। इसमें भी आपको बहुत सारे सब क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे, आगे आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ओके, और इसी तरह से अगर कोई जलीय सतह चारों तरफ से अगर जल से घिरी हुई है, तब तो हमने उसका नाम दे दिया क्या, द्वीप नाम दे दिया। लेकिन अगर तीन ओर से सिर्फ अगर वो जल से घिरी हुई हो, लिख लीजिए, अगर तीन ओर से सिर्फ जल से घिरी हुई, ऐसा स्थल जो तीन ओर से जल से घिरा हो, तब उसे हम प्रायद्वीप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, हम प्रायद्वीप बोल देते हैं। ओके, पेनिनसुला, जो भारत भी आपको देखने को मिलेगा, जो हमारा जो दक्षिणी भारत है वो किस नुमा है, देखिए हमारा जो दक्षिणी भारत है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस पे जब हम मैप बनाते हैं तो ये थोड़ा सा हैंग कर जाता है, बदमाशी कर जाते हैं, थोड़ा गर्म हो जाता है। तो देखिए ये आपको देखने को मिलेगा, इधर क्या है, जल है। तो हमारा भारत है, जो हमारा दक्षिणी भारत है
वो तीन ओर से क्या है, जल से घिरा हुआ है, इसीलिए आपने सुना होगा प्रायद्वीप ये भारत। तो ये प्रायद्वीप क्यों बोले हम, क्योंकि ये तीन ओर से क्या घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ, इसीलिए हम लोग इसको प्रायद्वीप बोल देते हैं। प्रायद्वीप की विशेषता क्या होती है, इसका एक भाग होता है वो स्थल से जुड़ा हुआ होता है, और जो तीन भाग होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे जल से घिरे हुए होते हैं। तो देखिए कुछ छोटी सी चीज थी जो, चलिए हम लोग देखते हैं महासागरों के बारे में, और साथ में इधर हमने महासागर दोबारा से लिख दिया, इधर महाद्वीप लिखना था हमें, ओके महाद्वीप, ओके लिख लीजिए, कभी कभार मिस्टेक हो जाती है। ओके तो देखिए एक हम लोग देखेंगे महासागर के बारे में देखेंगे, दूसरी ओर हम देखेंगे महाद्वीप के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं महाद्वीपों का क्रम देख लेते हैं एक बार, फिर हम महासागरों का क्रम भी एक बार देख लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ये बैक आ गए हैं। तो देखिए इस तरह से आपको वर्ल्ड मैप देखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रम के अनुसार देखेंगे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आपको एशिया देखने को मिलेगा। एशिया क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, ओके ये क्या है, एशिया है, ओके जिसको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, एशियाई बोलते हैं, ओके। और एशिया में ही आपको भारत भी देखने को मिलेगा। एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जो ना केवल अपने आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है, बल्कि इसकी जनसंख्या भी आपको सबसे बड़ी देखने को मिलेगी। और देखिए जो एशिया है ये यूरोप से जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो यूरोप से एक प्राकृतिक चीज है जो इसको विभाजित करती है, जो आपको यूराल पर्वत देखने को मिलेगा। तो यूराल पर्वत की एक श्रृंखला है, वही श्रृंखला क्या करती है, यहाँ पर एशिया और यूरोप को दो भागों में विभाजित कर देती है, ओके ये डिवाइड करती है। और यहाँ पर आपको कैस्पियन सी भी देखने को इस तरह से मिलेगा, अभी आपको विस्तार में पढ़ाया जाएगा। एशिया है वो ना केवल अपने आकार यानी कि विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ा है, बल्कि जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है, क्योंकि एशिया के अंदर ही चीन, भारत और आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश देखने को मिलेंगे जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ओके। जनसंख्या ज्यादा होने के कारण आपको देखने को मिलेगा इस महाद्वीप पर जनसंख्या भी सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा आपको सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जो हिमालय, हिमालय कौन है भाई, ये भारत का ही अपना हिमालय देखने को मिलेगा, जो विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला भी रखता है। तो एशिया आपकी किस लिए इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा एशिया आपको देखने को मिलेगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे ठंडा क्षेत्र है, वो भी यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म होता है, वो प्लेटफॉर्म भी आपको एशिया में देखने को मिलेगा, और एशिया में ही नहीं वो आपको भारत में देखने को मिलेगा, और भारत के अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो वो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। लेकिन कौन से जिले में है ये आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म एशिया में पाया जाता है, और एशिया में किस जिले में पाया जाता है बताइएगा। तो अगर आप लोग भारत के हैं और यूपी के हैं तो आपको आंसर जरूर करना है, वरना लानत है, ओके सर्च करके आप लोग कमेंट करिए, लेकिन कमेंट जरूर करना है, वैसे बाद में अभी आपको लिखवा भी देंगे, बता भी देंगे, ओके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा एशिया में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी हम लोग चलते हैं महाद्वीपों। तो अगर हम एशिया की बात करें तो अगर हम इसका विस्तार की बात करें, मतलब ओवरऑल कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो आपको देखने को मिलेगा ओवरऑल लगभग में 30%, वैसे 29.5% एरिया है ये कवर करता है अकेले, ओके। और अगर हम बात करें इसमें कितने देश आते हैं, तो लगभग में आपको इसमें 50 देश देखने को मिलेंगे। तो 50 देश हैं, यानी कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इस महाद्वीप पर देश पाए जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए दूसरे नंबर पे जो आता है वो एशिया आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो सॉरी एशिया नहीं अफ्रीका आता है, ओके। तो आपको देखने को मिलेगा दूसरे नंबर पे कौन है, अफ्रीका महाद्वीप है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जिसका नाम क्या है, अफ्रीका, ओके। तो अफ्रीका आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम देशों की संख्या पर अगर हम बात करें, देशों की संख्या के आधार पर बात करें, तो सबसे ज्यादा इसी महाद्वीप में देश पाए जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा 55 देश हैं जो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे अफ्रीका में। और देखिए ये 55 देश हैं, और इसमें से जो 95 नंबर का जो आपको देश देखने को मिलेगा वो सबसे नया देश है, और अफ्रीका में ही
सबसे नया देश पाया जाता है जो अभी स्वतंत्र और संप्रभु हुआ है, हाल ही में आपको देखने को मिलेगा 2012 में। अगर आप लोग नाम जानते हैं तो उसका नाम जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वैसे आप लोगों को सब कुछ अभी लिखाया जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इसके अलावा अफ्रीका आपको एक ऐसा देश देखने को मिलेगा जहां पर विश्व का सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, तो अफ्रीका में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको अफ्रीका में सबसे बड़ा मरुस्थल भी देखने को मिलेगा, और अफ्रीका में ही आपको सबसे बड़ी हीरे की खान भी देखने को मिलेगी। तो देखिए अफ्रीका में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अभी आपको लिखाई जाएंगी। तो दूसरे नंबर पे कौन आता है? अफ्रीका आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें, और अगर देशों की दृष्टि से बात करें कि सबसे ज्यादा देश हैं इसी महाद्वीप में पाए जाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा कौन सा ऐसा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा है। तो आपको जो तीसरा देखने को मिलेगा वो है उत्तरी अमेरिका। तो तीसरे नंबर पे कौन आता है? उत्तरी अमेरिका आता है, उत्तरी अमेरिका आता है। ओके, और उत्तरी अमेरिका है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर कितने देश हैं, तो आपको यहाँ पर 23 देश देखने को मिलेंगे, और उत्तरी अमेरिका में आपको बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलेगी। उत्तरी अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी लैंड लॉक कंट्री नहीं पाई जाती है। लैंड लॉक कंट्री का मतलब है कि ऐसा कोई भी देश नहीं है जो जो समुद्र से अपनी तट रेखा ना रखता हो, यानी कि वो किसी भी देश से घिरा हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई सीमा है वो तटीय से देखने को मिलेगी, मतलब समुद्र से उसका संबंध आपको देखने को मिलेगा। तो उत्तरी अमेरिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें लैंड लॉक कंट्री नहीं पाई जाती है। लैंड लॉक को हिंदी में कहते हैं स्थल आबद्ध, मतलब स्थल से घिरी हुई कोई भी कंट्री, कोई भी देश नहीं पाया जाता। इसके अलावा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में ही आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजों के बारे में अभी आपको बताएंगे। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें जो उत्तरी अमेरिका है ये कितने क्षेत्रफल को कैप्चर करता है, तो 16% आपको देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर हम अफ्रीका नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिए 20%, 20% भूभाग को कवर करता है। ओके, इसी तरह से जो चौथे नंबर पे जो महाद्वीप आता है वो आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी अमेरिका। ओके, चौथे नंबर पे कौन है? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। आज पता नहीं हमारा कंप्यूटर इतना हैंग क्यों कर रहा है, हम देखिए अभी लिख दिए, अभी ये क्या कर गया, थोड़ा सा हैंग कर गया है। ओके, तो पता नहीं इसमें ऐसा क्यों है, कुछ हो गया इसमें लगता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो ये दक्षिणी अमेरिका है ना, यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा रहस्यमय द्वीप भी पाया जाता है, मतलब विशाल विशाल मूर्तियां, और यहाँ पर रहस्यमय इतिहास आपको देखने को मिलेगा इसी महाद्वीप में। आपको ईस्टर द्वीप यहाँ पर एक पाया जाता है इसी महाद्वीप में। तो रहस्यमय दुनिया मतलब एक तरह से है कि उसका इतिहास नहीं समझ में आता है, लेकिन वहां पर बहुत विशाल प्राचीन विशाल मूर्तियां पाई जाती हैं। तो लगता है ये भी हमारा कंप्यूटर भी है थोड़ा सा डर गया है, रहस्यमय हो गया है। ओके, तो कोई बात नहीं। तो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपको दक्षिण अमेरिका देखने को मिलेगा। आप लोग इसी तरह से नोट करते चलिए। ओके, आप भी मैप बना लीजिए, इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से बना लीजिए जैसा बने। ओके, नहीं बनना है गोला खींच लीजिए, गोला खींच लीजिए जैसे, क्या आपको अभी नहीं बनाना आ रहा ना पहली क्लास से, तो ऐसे ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ पर पहला गोला खींचा और इधर लिख लिया उत्तरी अमेरिका, ज्यादा दबाव नहीं लेना है। ओके, इधर ऐसे गोला खींच लिया, ये क्या हो गया? दक्षिणी अमेरिका हो गया। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना? अभी अभी ऐसे ही बना लीजिए, अभी आपको मैप बनाना सिखाएंगे। देखिए आज की ही वीडियो में सिखा देंगे या फिर कल की वीडियो में आपको सिखा देंगे। एक्चुअली क्या है, आप लोग कहेंगे सर अभी क्यों नहीं बना बना रहे हैं जब 30 सेकंड में आप सिखा देंगे। एक्चुअली क्या है, ये जो है ना हमें आपको दूसरे बोर्ड पे ले जाना पड़ेगा, ये बोर्ड बंद करना पड़ेगा, तब हम आपको दूसरे बोर्ड पर ही सिखा सकते हैं, क्योंकि हम इस पे जब भी बड़ी लाइन खींचते हैं तो जो लोग हमारे स्टूडेंट हैं हमसे क्लास करते हैं वो लोग जानते होंगे ये हैंग कर जाता है। ये लंबी लाइन जब भी खींचते हैं और मैप बनाते हैं तो बहुत लंबी लाइन खींचनी पड़ती है ऐसे करके, तो ये चोक कर जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्रैक कर जाएगा, बंद हो जाएगा अभी आप लोगों का क्लासेस वजह से। इसी तरह से आप लोग यहाँ पर लिखिए इस तरह से यूरोप लिखिए, इस तरह से इधर आपको एशिया लिखना है, इधर ऐसे एशिया लिख लीजिए, इधर आपको इस तरह से आपको क्या बना लेना है, इधर अफ्रीका बना लेना है, अफ्रीका बना लेना, इसी तरह से इधर आपको छोटा सा ऑस्ट्रेलिया बना, ऐसे मैप बना लीजिए अभी के लिए, कल तो आपको या फिर आज आपको सिखा ही दिया जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग पीछे आते हैं, वैसे भी बहुत ज्यादा हैंग कर रहे हैं। तो आपको चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? दक्षिणी अमेरिका। अगर आपसे बोला जाए कि
आरोही क्रम में लिखिए या फिर अवरोही क्रम में लिखिए, तो लोग आप लोग आराम से लिख सकते हैं ना। ओके, तो आप लोग एकदम कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, हमको चौथा तो पता चल गया, अब पांचवा कौन सा है? तो देखिए, आपको देखने को मिलेगा जो पांचवा है वो आपको देखने को मिलेगा नीचे। ओके, नीचे आ जाइए। कुछ लोग इसको नहीं जानते होंगे लेकिन आपको बता देते हैं, ये है अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका। आपको अंटार्कटिका आपको देखने को मिलेगा। ओके, जो दक्षिणी ध्रुव जिधर पाए जाते हैं वही अंटार्कटिका महाद्वीप है, लेकिन ये बर्फ से ढका हुआ है, तो बर्फ से ढके होने के कारण इसको श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं। और इसका लगभग में पूरा का पूरा हिस्सा है बर्फ से ढका रहता है, बस 2% हिस्सा है जो बर्फ से नहीं ढका रहता है। और थोड़ा सा गर्मी का मौसम आता है तो इसका कुछ हिस्सा पिघल जाता है, और फिर ठंडी का मौसम आता है तो फिर से पूरा ढक जाता है। इस कारण आपको देखने को मिलेगा इसे गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ओके, गतिशील महाद्वीप के नाम से भी इसको जानते हैं। और यहाँ पर ही विश्व का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, अभी आपको बताएंगे। और यहाँ पर एक ऐसा महाद्वीप है जो आपको आबादी, यहाँ पर जनसंख्या आबादी है वो नहीं पाई जाती, आबादी विहीन क्षेत्र है, बस यहाँ पर रिसर्च के लिए लोग जाते हैं। हमारी भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बहुत सारी शोध संस्थाएं खुली हुई हैं, उनके बारे में हम लोगों के लिए बताएंगे। अभी रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा कि जलवायु परिवर्तन और जो महाद्वीप हैं वो कैसे टूटे हैं, उनकी स्टडी करने के लिए यहाँ पर एक नया शोध केंद्र बनाया गया इंडिया को, वो भी बताएंगे। और इसी तरह से जैसे इसको श्वेत महाद्वीप बोला जाता है, इसी तरह से अफ्रीका को अंध महाद्वीप बोला जाता है। अंध महाद्वीप मतलब एक काला महाद्वीप पाया जाता है। कि क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर सामाजिक आर्थिक रूप से अफ्रीका काफी पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसको अंध महाद्वीप बोलते हैं। और इसी तरह से अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी बोला जाता है। तो इसके बारे में हम सविस्तार में आप लोगों को पढ़ाएंगे अभी। ओके, इसके अलावा छठे के बाद जो पांचवें के बाद जो छठा नंबर आता है वो आता है यूरोप का। तो यूरोप है, ओके, वो छठे नंबर पर आता है। तो छठा महाद्वीप कौन सा देखने को मिलेगा? यूरोप देखने को मिलेगा। और यूरोप है वो 6.5% एरिया कवर करता है पूरे, आपको देखने को मिलेगा अगर हम इसकी बात करें। और यहाँ पर आपको 44 कंट्री देखने को मिलेगी। कितनी कंट्री? आपको 44 कंट्री देखने को मिलेगी। हम यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका में नहीं लिखाए हैं, तो दक्षिणी अमेरिका में आप लोग लिख लीजिए कि यहाँ पर 12 देश पाए जाते हैं, और 3 ऐसे डिपेंडेंट टेरिटरी भी आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो दक्षिणी अमेरिका में कितने हैं? 12 देश आपको देखने को मिलेंगे। ओके, देखिए कंप्यूटर अभी हमारे हाथ में ये अब लिख रहा है 44 करके, कोई बात नहीं। ये एक्चुअली क्या है ना, ये मैप जब हम बनाते हैं बहुत बड़ा सा तो वो उस पेज पर ये काम नहीं करता है ठीक से, तो यहाँ पर बहुत बड़ा आपको मैप ये देखने को मिलेगा, इसीलिए ये बहुत स्लो काम करने लगता है, तो ये समस्या है थोड़ी सी इसमें। देखिए, इसके अलावा 7वें नंबर पर आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर ज्यादा क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, कृषि वृत्ति नहीं होती है, ये पूरा का पूरा आपको लगभग में डेजर्ट ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर मरुस्थल ही मरुस्थल बहुत सारे पाए जाते हैं, इसीलिए इसको प्यासी भूमि का महाद्वीप भी बोलते हैं। ओके, क्या है? प्यासी भूमि की महाद्वीप भी इसको बोला जाता है। तो ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पर आपको 14 देश देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर हम इसकी भूमि की बात करें तो लगभग में 5.2% एरिया ये कवर करता है। और ये क्या है? 7 महाद्वीप। लेकिन 8वां महाद्वीप है वो और खोज लिया गया है, तो 8वां महाद्वीप है वो छोटा है, मतलब सबसे छोटा। वैसे ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया के अलावा एक और ऑप्शन भी दे दिया तो आपको यहाँ पर लिख लेना है जो आपको देखने को मिलेगा इधर। ये एक्चुअली इसका अभी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, अभी याद आ जाएगा तो आप लोगों के लिए लिखा देंगे। 8वां महाद्वीप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिसेंटली, जीलैंडिया। हाँ, ध्यान आ गया, कौन सा है? जीलैंडिया। ओके, जीलैंडिया। ओके, तो जीलैंडिया है वो है 8वां महाद्वीप है, और ये सबसे छोटा आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए, जीलैंडिया है पानी के नीचे देखने को मिलेगा। ओके, पानी के नीचे है, इस समुद्र का जल स्तर इसके ऊपर आ गया है। तो रिसेंटली वैसे जीलैंडिया है, आपको हो सकता है ऑप्शन में ना दिया रखा हो, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ में जीलैंडिया भी दे दिया तब आपको ध्यान रखना है जीलैंडिया महाद्वीप है वो सबसे छोटा आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये क्या है? आपको वैसे 7 महाद्वीप देखने को मिलेंगे, लेकिन रिसेंटली स्टडी के अनुसार एक 8वां भी खोजा जा चुका है। अगर इसे भी अगर ऑप्शन के रूप में दिया जाए तो आप लोगों को जरूर इसमें नोट कर लेना है। इसी तरह से अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा महासागरों के ऊपर भी आ जाते हैं। किसके ऊपर आ जाते हैं? थोड़ा सा महासागरों के ऊपर आ जाते हैं।
तो इधर आपको प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। तो प्रशांत महासागर है, ओके, जो प्रशांत महासागर है वो आपको सबसे बड़ा महासागर देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं, एक्चुअली ये थोड़ा सा हैंग कर रहे हैं। तो देखिए जो पहले नंबर पर यहां पर आता है वो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, ओके। और प्रशांत महासागर को ही क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशन के नाम से भी जानते हैं, ओके। और आपको दूसरे नंबर पर इधर आपको देखने को मिलेगा जो अटलांटिक महासागर, ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है, कर्सल हमारा चल रहा है ना, ये कर्सल देखिए उधर वो लिख रहा है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, प्रशांत महासागर हम हल्के हल्के वो लिखा जा रहा है, लिखने दीजिए। देखिए हमारे कर्सल पर ध्यान दीजिए आप लोग, ये क्या है, ये आपको अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा। एरिया की दृष्टि से अगर हम बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, ये दूसरे नंबर पे आता है। इसी तरह से तीसरे नंबर पर आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा। तो हिंद महासागर जो इधर है, जो हम कर्सल चला रहे हैं, ये तीसरे नंबर पर आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो चौथे नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर इधर दक्षिणी ध्रुवीय महासागर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको अंटार्कटिका महासागर के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, या फिर दक्षिणी महासागर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो चौथे नंबर पर ए वाला रीजन है, इस वाले रीजन में पाया जाता है, ओके, दक्षिणी ध्रुवीय महासागर या फिर दक्षिणी महासागर के नाम से भी इसको जानते हैं। इसी तरह से ऊपर आपको आर्टिक ओशन देखने को मिलेगा, आर्टिक ओशन है वो पांचवें नंबर पे पाया जाता है। तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आपको आर्टिक महासागर देखने को मिलेगा जो उत्तरी ध्रुव की ओर पाया जाता है, ओके। कहाँ पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव की ओर पाया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख नहीं पाए हैं क्योंकि यहाँ पर पेन हमारा हैंग कर रहा था, मतलब ये हैंग कर रहे हैं इसी वजह से। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिए अब ये चल रहा है कितने देर में, थोड़ा चल जाने दीजिए जब जब तक हम पानी पी लेते हैं, और फिर आपके लिए बहुत अच्छे से सारी चीजों के बारे में बताते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें आखिर ये देश है, ये देश कौन बताता है कि कौन सा देश होगा, तो देश की परिभाषाएं हैं उसमें भी बहुत कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिलेगी, तभी देशों की संख्या अलग अलग पाई जाती है। अभी अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जो फैक्ट्स आपको लिखाएंगे तभी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से बताते हैं, ओके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एशिया के बारे में, एशिया के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, एशिया के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए अगर हम एशिया की बात करें तो अभी देखिए एशिया हम नहीं पढ़ाने जा रहे, एशिया के बारे में कुछ चीजें लिखाने जा रहे हैं, जो अभी हम आपको ऐसी वोकल बता दिए थे, मौखिक बता दिए थे, वही चीजें लिखा देते हैं आप लोगों के लिए। अभी रियल में जब स्टार्ट करेंगे ना तब आप लोगों के लिए मजा आएगा। तो देखिए एशिया है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, और प्लस अगर हम इसके आकार या फिर इसके विस्तार से बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पाया जाता है, सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, महाद्वीप है। अगर देखिए जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो विश्व की जितनी जनसंख्या पाई जाती है उसका अकेले 60% क्या है, एशिया में ही आपको देखने को मिलेगी, देखा। लेकिन हम आकार की दृष्टि से बात करें तो आपको देखने को मिलेगा विश्व में जितना आकार है उसका कितना है, अभी हम 29.5 लिखाए थे, यानी कि लगभग में 30%, ओके। और आबादी क्या है, यानी कि जनघनत्व आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा, इसीलिए जनघनत्व ज्यादा पाया जाता है तो आपको एशिया में ही ज्यादा देखने को मिलेगा। देखिए 60% जनसंख्या और 30% आकार सिर्फ पाया जाता है, 30% आकार पर 60%, यानी कि पृथ्वी की आधी से अधिक जनसंख्या यही निवास करती है, ओके। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम दूसरे तथ्य की बात करें तो देखिए एशिया महाद्वीप है, यहाँ पर आपको सबसे ऊंचा आपको देखने को मिलेगी पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला है वो सबसे ऊंची है, और उसमें एक पर्वत पाया जाता है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट आपको सबसे ऊंचा पर्वत विश्व का देखने को मिलेगा। तो यहां पर विश्व की, ओके, विश्व की मतलब दुनिया की, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, जिसका नाम क्या है आप लोगों को बताना है, जिसका नाम है हिमालय, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, ओके, सबसे
ऊंची, सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो कौन से पर्वत पर है आपको देखने को मिलेगा? माउंट एवरेस्ट पर। ओके, माउंट एवरेस्ट। ओके, और जो कहां पर है आपको? तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा ऊंचा जो पठार होता है, जिसको आप लोग प्लेट्यू के नाम से जानते होंगे, वो भी एशिया में ही पाया जाता है, जिसे बोलते हैं पामीर का पठार। ओके, कौन सा? पामीर का पठार। तो पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार पाया जाता है, और इसी के लिए विश्व की छत भी बोला जाता है। क्या है ये? विश्व की छत है, इसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके अलावा जो चौथी चीज है वो आपको देखने को मिलेगा विश्व का सबसे गहरा गर्त। सबसे गहरा गर्त है वो कहाँ देखने को मिलेगा? एशिया में ही देखने को मिलेगा, फिलीपींस द्वीप के समूह प्रशांत महासागर में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, मेरियाना गर्त जिसका नाम है, मेरियाना, मेरियाना गर्त। ओके, जो मेरियाना गर्त है ये विश्व का, मतलब संसार का, विश्व का सबसे गहरा गर्त है। सबसे गहरा गर्त आपको देखने को मिलेगा, ये कहाँ पर है? फिलीपींस द्वीप समूह के समीप आपको देखने को मिलेगा, प्रशांत महासागर में। ओके, तो काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो मृत सागर है, मृत सागर है वो आपको निम्नतम बिंदु देखने को मिलेगा, निम्नतम। ओके, निम्नतम बिंदु आपको देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन अगर हम गहराई की बात करें तो मेरियाना गर्त है, लेकिन हम अगर निम्नतम बिंदु की बात करें, ओके, तो वो कौन सा है? मृत सागर है। दोनों में आप लोगों के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम देखिए गहराई की जब बात कर रहे हैं, तो गहराई में यानी कि समुद्र के अंदर सबसे गहरी चीज कौन सी है? मेरियाना गर्त है। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें, स्थल पर जो सबसे नीचे बिंदु कौन सा है, तो वो आपको मृत सागर देखने को मिलेगा, निम्न बिंदु सबसे देखने को मिलेगा। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा देखिए एशिया के बारे में जो आपको 6 पॉइंट है जो कि सबसे महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा, सबसे सबसे कम तापमान, कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। ओके, रिकॉर्ड किया गया, तो वो कौन सा स्थान है? वो एशिया का ही स्थान आपको आपको देखने को मिलेगा, बारखो यांस, बारखो यांस आपको देखने को मिलेगा, -68 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया अभी तक का। ये उत्तरी गोलार्ध की है। ओके, अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तब वो कौन सा हो जाएगा? वो आपको दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलेगा। ये कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर मानव आबादी पाई जाती है, वहां पर अगर पूछा जाए तो सबसे कम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, इसके अलावा सबसे अधिक एशिया में ही सबसे अधिक, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पाया जाता है, वर्षा वाला स्थान पाया जाता है जो कि भारत में ही पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में आपको मानसिन राम आपको देखने को मिलेगा, तो मानसिन राम में आपको देखने को मिलेगा, जो कहाँ है? इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा, चेरापूंजी के समीप। ओके, इसके अलावा आठवां जो पॉइंट है वो आपको देखने को मिलेगा विश्व का सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, सबसे लंबा रेल मार्ग, लंबा जो रेल मार्ग है वो कहाँ है? वो एशिया में ही देखने को मिलेगा, जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा ट्रांस साइबेरियन रेल, जो सबसे ज्यादा लंबा आपको देखने को मिलेगा रेल मार्ग। ओके, ट्रांस साइबेरियन लिख लीजिए, ट्रांस साइबेरियन, साइबेरियन। ओके, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो देखिए आपको देखने को मिलेगा 9,500 किलोमीटर। कितनी? 9,500 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। ओके, वैसे अगर पूरा लिखना चाहें तो लिख लीजिए 9,438 किलोमीटर, 9,438 किलोमीटर, या फिर आप लोग
9,500 बोल देंगे तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, फिर 9,000 से ज्यादा बोल देंगे तो भी कोई समस्या वाली फैक्ट रखने की आवश्यकता नहीं है, बस लिखा दिए हैं। कुछ लोगों को फैक्ट्स बड़े पसंद आते हैं इसलिए यहाँ पर लिखा दिया, वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा विश्व का सबसे ज्यादा चावल है वो एशिया में ही उगाया जाता है। आपको जान के हैरानी होगी, विश्व में जितना चावल का उत्पादन किया जाता है उसका 93% अकेले एशिया में ही उत्पादन किया जाता है। अगर हम विश्व में बात करें उत्पादन के मामले में चावल की, किसकी बात करें, चावल की अगर हम बात करें तो 93% विश्व का जो चावल है वो यहाँ पर ही उगाया जाता है। ओके, समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा अगर हम बात करें चाय की, ओके, चाय है वो सबसे ज्यादा एशिया में ही उगाई जाती है, 91%। ओके, 91% आपको देखने को मिलेगी चाय है, चाय का उत्पादन एशिया में ही किया जाता है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, ये जो महत्वपूर्ण चीजें थी ये आपने लिख ली होंगी, और इसके अलावा एक दो और लिखा देते हैं, वैसे अब बाद में तो ये सब कुछ पढ़ाया ही जाएगा हम लोगों के लिए। आपको देखने को मिलेगा विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील आपको देखने को मिलेगा जो एशिया में ही है, तिब्बत में आपको देखने को मिलेगी, पैंगोंग जिसको बोलते हैं, पैंगोंग झील, ये कहाँ है, ये तिब्बत में आपको देखने को मिलेगी, तिब्बत में। सबसे ऊंची मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई पर विश्व में एक ऐसी झील है जो खारे पानी की है, वो कहाँ है, एशिया में तिब्बत पर आपको देखने को मिलेगी, पैंगोंग झील जो है, काफी महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए, जो विश्व में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसी के बारे में अभी हम आपको लिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, सॉरी प्लेटफॉर्म, रेल मार्ग तो लिखा दिए हैं, प्लेटफॉर्म है वो कहाँ है, आपको देखने को मिलेगा गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है, भारत में पड़ता है। ओके, गोरखपुर का रेल मार्ग बार बार आता है, प्लेटफॉर्म। ओके, गोरखपुर जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है। ओके, और जिन लोगों ने कमेंट किया होगा बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए, हम लोग अब आते हैं थोड़ा सा अफ्रीका के ऊपर आते हैं, और अफ्रीका के बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीजें लिखाते हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए, कल से आपको और बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें पढ़ाई जाएंगी। अगर हम बात करें अफ्रीका, तो अफ्रीका दूसरा सबसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम विस्तार की दृष्टि से देखें तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका था, कौन सा था, अफ्रीका आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए अफ्रीका है, इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, तो लिख लीजिए इसको अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, अंध महाद्वीप। ओके, तो आपसे पूछा जा सकता है अंध महाद्वीप इससे क्यों बोला जाता है, देखिए अंध का मतलब होता है कि अंधेरे में, ओके, ब्लैक, इसका मतलब है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़ा एरिया देखने को मिलेगा। आप लोगों ने देखे होंगे कि यहाँ पर सब हुलू हुलू लू 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 करते रहते हैं, यानी कि जनजातीय प्रदेश के लोग देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर अभी भी सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इसे अंध महाद्वीप भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर समस्याएं भी बहुत है, अगर वो लोग अभी ऐसा जीवन यापन कर रहे हैं तो उन उसके पीछे कहीं ना कहीं प्राकृतिक कारक बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं, और उनका उनका उपनिवेश काल में बहुत ज्यादा शोषण भी हुआ है, तो जो अफ्रीकी लोग हैं, जो हमारे भाई बंधु लोग हैं, वो बहुत ज्यादा कष्ट भी झेले हैं। सबसे ज्यादा उन्हीं से काम कराया गया, दास बनाया गया उनको, कोई भी ले जाता था दास बना करके, और फिर उनसे गधों की तरह काम कराया जाता था, तो उन्होंने बहुत कुछ कष्ट वक्त झेला है। आप लोग पता है अंग्रेज लोग हैं, वहां पर जो दास व्यापार होता है वो बहुत ज्यादा किया जाता था, कि मतलब किसी को भी खरीद लो, पकड़ लेते थे जाकर के, और फिर जाकर के बेच देते थे, फिर उन्हें चाय बागानों में, गन्ने की खेती खानों में काम कराते थे, वो बहुत ज्यादा बेचारे हमारे जो अफ्रीकी लोग हैं उनका शोषण हुआ है आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग अभी बात करते हैं अफ्रीका की, बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की, बात करते हैं यहाँ पर देखिए अफ्रीका है, वहां एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, जो विषुवत रेखा है, मकर रेखा है और कर्क रेखा है,
तीनों रेखाएं जिस महाद्वीप से गुजरती हैं वो अफ्रीका महाद्वीप ही देखने को मिलेगा, मतलब इस महाद्वीप से ओके, यहां से तीनों अक्षांशीय रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? एक आपको देखने को मिलेगा 0 डिग्री, जिसका नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा ओके। और आपको 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री आपको, अगर हम नॉर्थ में बात करें तो आपको यहां से जो गुजरती है वो गुजरती है कर्क रेखा, नॉर्थ में मतलब उत्तर में भारत से होकर के भी ये गुजरती है, आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यहां से मकर रेखा जो 23.5 डिग्री साउथ में है, जिसका नाम है मकर रेखा, ये भी गुजरती है ओके। ये तीनों रेखाएं हैं, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं ओके। इसके अलावा दूसरा जो आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलेगा कि जो कांगो रिवर है मतलब नदी है, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये विषुवत रेखा को एक ही नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है ओके। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, वो कहाँ देखने को मिलेगा? वो आपको अफ्रीका में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है, वो कहाँ पाई जाती है? यहीं पाई जाती है, विश्व की सबसे लंबी नदी, तो लिखे ही नहीं हम, लंबी नदी ओके, नील नदी, नील नदी ओके। आप लोग बताइए नील नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? ये आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट नहीं करेंगे तो अच्छी बात नहीं है, कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा मजा आता है ओके। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे गर्म जो स्थान है, सबसे गर्म जो स्थान है वो आपको यहाँ ही देखने को मिलेगा, अलजीजिया में, अलजीजिया में ओके। अलजीजिया जो कहाँ पड़ता है? लीबिया में। अलजीजिया जो स्थान है वो कहाँ पड़ता है? लीबिया में पड़ता है। और यहाँ पर 58 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है, वो 2012 में रिकॉर्ड किया गया था, सितंबर 2012 में सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। अगर आप लोग नोट नहीं कर पाते हैं, कुछ रह जाता है, समस्या नहीं लेना, ये कमेंट करिए। जैसे ही आप कमेंट करेंगे आपको एक लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वहां से जाकर के आप पूरी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग एटलस नहीं खरीद पा रहे हैं, पैसे की समस्या है, तो कुछ समय के लिए आप लोग PDF से भी काम चला सकते हैं, तो PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी अगर आप लोग ये कमेंट करते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ करके वहां पर हमें मैसेज कर दीजिए, आप लोगों के लिए PDF सेंड कर दी जाएगी। तो पूरा सहयोग हमारे क्लब पर किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कौन सा पॉइंट है, अभी कितने पॉइंट, 4 पॉइंट लिखा दिए, 5वां पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान, विश्व की सबसे बड़ी बड़ी हीरे की खान है, जो हीरे की खान है वो कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में ही पाई जाती है, जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा किमरले की खान, किमरले की खान आपको देखने को मिलेगा, जो कहाँ है? जो दक्षिण अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगी, दक्षिण अफ्रीका में। देखिए अगर हम बात करें तो जो अफ्रीका है, अफ्रीका में प्राकृतिक अगर हम बाधाओं की बात करें तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर खनिज तत्व हैं जो वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बड़े बड़े कोयले के भंडार भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको जो खाने होती हैं तो बहुत धात्विक खाने भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेंगी। हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, सोने की बड़ी बड़ी खाने भी यहाँ पर पाई जाती हैं, लेकिन इनका आर्थिक शोषण बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ के जो स्थानीय जो जनजाति लोग थे, यहाँ के स्थानीय निवासी थे, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उनको क्या हुआ? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिससे यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पिछड़ापन भी देखने को मिलेगा ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें विश्व की सबसे विशाल जो हीरा है, विश्व का जो सबसे विशाल हीरा है वो अफ्रीका में ही मिला था, जो हीरा है वो अफ्रीका में ही मिला था, जो 3106 कैरेट का था ओके। एक
देखिए कहाँ से मिला था, विश्व का सबसे बड़ा हीरा, सबसे विशाल हीरा आपको देखने को मिलेगा, जो प्रीमियर की खान में आपको देखने को मिलेगा। किस खान में मिला? तो प्रीमियर की खान में। ओके, जो प्रीमियर की खान है, खानों के नाम होते हैं, तो कौन सी खान से प्रीमियर की खान है उससे मिला, जो आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगी। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगी। अगर हम इस हीरे के नाम की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा काली नान हीरा, इसका नाम है काली नान हीरा, इसका नाम है। तो काली नान हीरा है जो विश्व का सबसे बड़ा अब तक का मिला हुआ हीरा है। देखिए हमारी पृथ्वी पर हो सकता है इससे भी बड़े पाए जाते हो, लेकिन अभी तक जो हमें प्राप्त हुआ है सबसे बड़ा हीरा, आधे लोगों के तो मन में क्या लज्जित उठ गया होगा, लेकिन क्या जब काश हमको भी एक तो हीरा मिल जाए। क्योंकि तो हीरा मिलना ही काफी नहीं होता है, हीरे को पहचानना जरूरी होता है। अगर हीरे को हम पहचानेंगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि हीरा अगर हम वैसे देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा अशुद्धियां उसके अंदर पाई जाती हैं, वो क्लियर नहीं दिखता है, कोई भी खान में पाया जाता है। आप लोगों को बताए थे, एक बात हम लोगों को बताना है कि हीरा है वो किस प्रकार की चट्टान है, या फिर किससे हीरा बनता है। आप लोगों को अभी कल के लेक्चर में ही पढ़ाए हैं ज्योग्राफी में, जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है आप लोग जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, अभी लास्ट में आप लोगों को ये बताएंगे। ओके, तो देखिए आपको विश्व का सबसे बड़ा हीरा जो अभी तक प्राप्त हुआ है वो कौन सा है? कालीनान हीरा आपको देखने को मिला। कहाँ मिला? अफ्रीका में ही मिला आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें सातवें पॉइंट की, तो विश्व की सबसे बड़ा, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कहाँ है? तो आपको देखने को मिलेगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, आपको देखने आपको देखने आपको नेक्स्ट वीक का बता दें।
चलिए तो आज बार बार दुख है
Sitting on the
Bye.